हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है मेरे इंक्रेजियस में। आज हम आपको दिखाएंगे वॉर्म कंबल जो होता है, ये ब्लैंकेट जो गर्म होता है उसके अंदर कैसे कैसे काम करता है। वो खोल के दिखाएंगे आपको कि इसके अंदर क्या चीज़ होता है जिससे गर्म होता है, ये इसका कंट्रोल होता है, और इसके अंदर क्या चीज़ होती है जिससे ये गर्म हो जाता है, ये हमको दिखाएंगे। इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो में हमने आपको दिखाई थी, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे आपको, कुछ समय पहले दिखाई थी ना आपको। चलिए इसको दिखाएंगे आपको कि इसके वायर कहाँ से क्या होता है, ये इसका कंट्रोल होता है, इसको कंट्रोल कर रहता है। देखिए ये जीरो होता है, जीरो मतलब ऑफ़, और एक मतलब मीडियम और हाई, और जीरो मतलब दोनों तरफ से आप ऑफ़ कर सकते हैं। जैसे आपको पता नहीं किधर ऑफ़ करना है तो आप दोनों तरफ किधर भी कर सकते हैं, इसलिए ये फीचर दिया गया है। और देखिए ये कंबल, ये इधर साइड से उल्टा होता है, इधर से साइड से कुछ वायर जाए होते हैं, इसको एलिमेंट कहते हैं, वो जाते हैं। एलिमेंट हम आपको दिखाते हैं, अभी इसमें ढूंढ के दिखाते हैं आपको कहाँ पर होंगे और कैसे होंगे। ये देखिए मेरा हमें, ये देखिए ब्लैक कलर का ही वायर है, ये दिख रहा जाते हुए, यही गर्म होता है। ये देखिए ये ब्लैक कलर का वायर है, ये निकालने की कोशिश करते हैं, हम निकालते हैं इसको, निकल जाए तो अच्छी बात है। दिखाते हैं आपको, इसको निकालने में दिक्कत हो रही है क्योंकि ये इसका जो मटेरियल है इसने पकड़ रखा कस के, और निकल नहीं पा रहा है ये, लेकिन हम कोशिश करते हैं को निकालने की ये कैसे निकलेगा। और नहीं निकलेगा तो आपको खोल देंगे इसका, ये देखिए बाहर तो आ रहा है लेकिन ये पकड़ में नहीं आ रहा है। चलिए इसको हटाते साइड में, और ये देखिए ब्रेक वायर हटाते साइड में, इसको दिखाते हैं खोल के आपको। खोलने के लिए चाहिए हमें एक पेंचकस, जो पेंचकस होता है हमेशा, इसको खोलते हैं और इसमें सेलेक्ट करेंगे ये देखिए, और ये ओपन करेंगे इसको, साइड में डाल देते हैं ताकि दिक्कत ना हो आपको देखने में। उसको प्लग करते हैं और लगाते हैं, उसको ऑन इसको कर देते हैं, ये देखिए इसको ऑन इसको कर रहे हैं जल्दी जल्दी। उससे उस समय हम आपको बता दें कि हम आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक स्विच निकला है, ये देखिए ये मल्टीपल स्विच है, मतलब इसमें तीन मोड होते हैं, तीन चार मोड, लेकिन ये डायरेक्ट चलता है, ये किसी कन्वर्टर नहीं लगा होता, ये डायरेक्ट एसी से चलता है, मतलब बत्ती से चलता है ये डायरेक्ट। आप चाहें तो उसको निकाल के डायरेक्ट लगा देंगे तभी वो काम करेगा, मतलब ये कोई कि अडाप्टर चार्जर वगैरह नहीं है, डायरेक्ट है, स्विच है बस खाली, और कुछ नहीं है इसमें। इसमें आगे दिखाते हैं आपको, ये नहीं कि इसमें कोई अडाप्टर लगा हो कि वोल्टेज कम करता हो, 12 वोल्ट 24 वोल्ट नहीं करता, ये डायरेक्ट 240 वोल्ट एसी में ही चला देता है इसको। चलिए ये जो लगा हुआ है इसको खोलते हैं, इसके बाद में इसका राजा बाहर आ जाएगा कि इसके अंदर क्या है। चलिए इसको ओपन कर देते हैं, इसमें पेंच जो है स्क्रू इसके वो टाइट है काफ़ी इस वाले के। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन इसके स्क्रू जो है वो अलग साइज का, अलग साइज का है, इसकी वजह से दिक्कत आई हमें। देखिए ओपन हो गया, साइड में निकालते हैं इसको, खींच जाएगा ये, खींच के निकालते हैं। जी देखिए जी क्या निकला, ये दो सेफ्टी पिन लगे हुए हैं ऊपर ताकि करंट ना आ सके, इसको निकालने की कोशिश करते हैं निकलेगा ये नहीं निकल पाएगा। चलिए इसका वायर देखते निकाल के, वायर क्या होती चीज़ होती है इसमें, ये वायर दो कनेक्ट है और एसी लाइन से सीधे कनेक्ट है वो, और बीच में एक स्विच लगा हुआ है, सिंपल सा तरीका है ये, कुछ ज़्यादा नहीं है। ये देखिए वायर, लेकिन एक बात समझ नहीं है मुझे, ये वायर तो वाइट कलर का है लेकिन पीछे हमने दिखाया था आपको वो ब्लैक कलर का था, ऐसा कैसे हो सकता है, ये समझ में। इसकी मजबूती बहुत है, ये बहुत मजबूत तार है। चलिए इसको निकाल के दिखाते हैं, पूरा चीज़ निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, पूरा खींच के निकालेंगे आपको, पूरा निकाल देंगे तार इसका, कोशिश करेंगे निकालने की, निकल गया तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं। खींचते हैं इसको, ये देखिए इसको पूरा निकालने की कोशिश करते हैं, जब तक निकल रहा है तब तक हम आपको बता दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको कुछ भी चाहिए हो, किसी की अनबॉक्सिंग चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो आपको, तब कमेंट करके बता सकते हैं हमें, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए।
ये देखिए वायर टूट गया, ये काफ़ी जोर खींचा था टूट गया ये। इसमें बस ये वायर होता है और इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो बताइए कमेंट।